अब अपनी आठवीं प्रश्नावली का है, 2.1 के पहले है, 28 नंबर पृष्ठ पे अपने को दे रखा है कि घन संख्याएं ज्ञात करो, यानी अपने को संख्या दे रखी है, वो चेक करना है कि वो पूर्ण घन संख्या है या नहीं, पूर्ण घन संख्या हाँ या नहीं है, तो लिखो भी है अन्यथा नहीं। पूर्ण घन संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो संख्या दे रखी है अपने को, जिस प्रकार अपने को दे रखा है 2700, सबसे पहले बेटा इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर लो। गुणनखंडों में तीन तीन का जोड़ा बन जाना चाहिए, तीन तीन का जोड़ा, चाहे कोई संख्या है, दो है तो वो भी तीन बार आना चाहिए, तीन तीन के टुकड़े हो रहे हैं तो वो भी तीन बार आना चाहिए, पांच पांच है तो वो भी तीन बार आने, तो वो घन संख्या होगी, पूर्ण घन संख्या, अन्यथा नहीं होगी, अन्यथा नहीं। अब अपने 2700 के पहले टुकड़े करता हूं, देखो दो का भाग दू, दो एकम तीन दूनी छह बच के एक हो गए दस, पांच दूनी 1350 आ गए, फिर दो का भाग रहा हूं, छह दूनी 12 बच के एक हो गए 15, सात दूनी 14 और पांच दूनी, फिर देखो दो का तो नहीं जा रहा क्योंकि इकाई में पांच आ गया, तीन का लगा के देखो 7 6 13 13 5 18, 18 में तीन का भाग जा रहा है ना, जा रहा है ना, तो इसमें तीन का भाग जाएगा, तीन दूनी छह, तीन दूनी छह 5 3 15 225 आ गए, फिर इसमें तीन का फिर जा रहा है 7 3 21 5 3 15, फिर तीन का जा रहा है 25, फिर तीन का नहीं जाता, पांच का 5 5 25 5 1 5 हो गया। अब देखिए किस किस का जोड़ा अधूरा रह गया, इसमें देखो जोड़ा तो तीन तीन का तो एक ही जोड़ा बड़ा है, बढ़िया, ये दुए में भी अधूरा रह गया और पांचे में भी अधूरा, तो ये अपने लिख सकते हैं कि ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो दो का जोड़ा पूर्ण नहीं हो रहा और पांच का जोड़ा पूर्ण है, क्या क्या लिखेंगे कि ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्या लिखेंगे, पूर्ण है घन संख्या नहीं है, क्योंकि क्यों कि दो व पांच के जोड़े पूरे नहीं हो रहे, ठीक है, ये ठीक है। दूसरा सवाल है इसका 16000 कितना है, 16000 दो का भाग दो 8000, दो का भाग दो 4000, दो का भाग दो 2000, दो का भाग दो 1000, दो का भाग दो 500, दो का भाग दो 250, दो का भाग दो 125, पांच का भाग दो 25, पांच का भाग दो 5 5 1 ये देखो एक जोड़ा बन गया 5 5 का, दो दो का एक, तीन तीन के जोड़े बनाने, दो बन गया, ये देखो दुआ रह गया, रह गया ना, तो ये क्या है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें दो का जोड़ा पूर्ण है नहीं हो रहा है, लिख देंगे आगे पूर्ण घन संख्या नहीं है क्योंकि इसमें दो का जोड़ा पूर्ण है नहीं हो रहा। वो ये भी पूछ सकता है इसमें कितने का भाग लगाए कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए, तो जोड़ा किसका अधूरा रह गया, दो का भाग लगा दो, यहां इसमें अपने को पूछे कि कितने का भाग लगाए कि वो पूर्ण घन संख्या बन जाए, तो दो दूनी 4 4 5 20 20 50 100, क्या 20 50 100 का भाग लगाएंगे, जितने जोड़े टूट रहे हैं ना उन सबको गुणा करके उनका भाग लगाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे तो 27 आ गया, 27 देखो घन संख्या है कि नहीं है, है ना, है। अब देखिए आपका आगे वाला सवाल है 6400,
कितना है? 64. दो का बारह गाँव 64, 64 हजार है, 64 है, कितने आ गए? 32,000. कितने आ गए? 32. दो का बारह गाँव कितने आ गए हैं? फिर कितना लगा दूं? 8,000. फिर कितने लगाऊं? 4,000. दो का लगाया फिर? 2,000. फिर 1,000. फिर 500. फिर 250. फिर 125. फिर 525. फिर 5 और फिर है 5. ये देखो एक जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये क्या है? पूर्ण घन संख्या है. पूर्ण घन संख्या है. कितने की घन संख्या है? तो प्रत्येक में से एक एक निकाल लो. दुआ इसमें से, दुआ इसमें से, दुआ और इसमें से पांच. दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ पंजा 40. कितने की घन संख्या है ये? 40. कितने की घन संख्या है ये? 40. कितने घन संख्या है? 40. ठीक है, तो ये अपने लिख देंगे, ये पूर्ण घन संख्या है क्योंकि इनमें संख्याओं का जोड़ा बन रहा है. अब देखिए आगे मैं एक और कर देता हूं. देखो 900, यहां देखो 900 में दो का भाग देंगे कितने आ गए? 450. 450 में दो का भाग देंगे 225. ठीक है, 225 में देखो दुए का भाग तो जाता नहीं है, किसका जाएगा? दो दो चार, पांच चार नौ, तीन का जा रहा है ना, तीन का लगा दू, सात या 21, पांच या 15, फिर तीन का लगा दूं, फिर कितने हो गए? फिर किसका लगाऊं? हैं? कितने आ गए? पांच एकम. अब है क्या इसमें कुछ? हैं? किसका जोड़ा बना भाई? हैं? बना क्या? तो अपने क्या लिखेंगे कि ये पूर्ण घन संख्या नहीं है क्योंकि दो तीन व पांच तीनों के जोड़े पूर्ण नहीं हो रहे. पूर्ण क्योंकि जोड़े में तीन तीन आने चाहिए. कितने आने चाहिए? तीन. में तो दो दो ही आए. कितने आए? दो दो. ठीक है ना. अब आगे 125,000 हो गए. ऊपर जीरो है, दो का भाग जाएगा ना, 6 × 12, दो दूनी 4, बच गए एक, हो गए कितने? 10. 5 × 10, यहां तक आ गए. आगे दो जीरो बच के लगा दो, फिर दो का लगाओ, 3 × 2, 2 एकम, 2 × 2 बच्चे कितने? 1 हो गए. 10, 5 × 10, 0, 32,000, 231,250. फिर किसका लगाऊं? 2 एकम और फिर 5 × 2 बच गया 1, 6 × 2, 2 × 2 और 5 × 2, फिर 2 का तो नहीं जाएगा. अब 5 × 2 = 7, 6 × 13 = 18, 19 में 3 का भी नहीं जाता, नहीं जाता ना. किसका लगाऊं अब? हैं? ऊपर 5 है, 5 का लगा दूं, 5 × 3 = 15, 5 एकम 5 बच गया 1 हो गए 12, 5 × 2 = 10 बच गए 2, 5 × 5 = 5, फिर 5 का लगा दूं, 6 × 5 = 30 बच गए 1 हो गए 12, 5 × 2 = 10 5 × 5 = 25, फिर 5 का लगा दूं 125, फिर 5 का लगा दूं कितने आ गए? 25, फिर 5 का लगाऊं 5, फिर 5 का लगाऊं 1, एक जोड़ा बन गया, दो जोड़ा बन गया और है? तीन. बढ़िया. तो ये पूर्ण घन संख्या है. ये पूर्ण है किसकी? पूर्ण घन संख्या है. देखो एक इस जोड़े में निकाल लो, एक इसमें से निकाल लो और एक इसमें से निकाल लो. 5 × 2 = 10, 10 × 5 = 50. किसकी पूर्ण घन संख्या है ये? 50. यानी 50 को 3 बार गुणा करने पर 125,000 आएंगे. 1,00,000 है, 25,000 है. ठीक है, आगे बढ़ा. देखिए आपका 36,000 कितना है? 36,000 चेक करना है. 2 का भाग दो 18,000, 2 का भाग दो 9,000, 2 का भाग दो 4,500, 2 का भाग दो 2 × 4, 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10, 2,250 हो गया. अब 2 का दो 1, 1, 2 × 2 = 4 और अब देखो अब 2 का नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना, जोड़ू 5 × 2 = 7, 3 × 8 = 9, 3 का जाएगा, जाएगा ना.
सातिया तीन तिया नौ बच गए दो हो गए बाईस सातिया इक्कीस पांच तिया पंद्रह। फिर किसका लगाऊं तीन का लगा दूं क्या? तीन एकम तीन तीन दून छह बच गए एक पांच तिया पंद्रह एक सौ पच्चीस आ गए। फिर किसका लगाऊं पांच का है पच्चीस। फिर किसका लगाऊं पांच का पांच फिर पांच ये जोड़ा बन गया। ये जोड़ा बन गया देखो किस किस का जोड़ा टूट गया भाई दो का और है तीन का तो अपन लिखेंगे इसमें यह पूर्ण घन संख्या नहीं है क्योंकि इसमें दो व तीन का जोड़ा पूर्ण नहीं होगा। जोड़ा पूर्ण है नहीं वो कहते हैं कि इसको कितने से गुणा करो कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो इसमें कितना टूटा एक दुआ इसमें कितना टूटा एक तिया तीन दूनी छह से अगर गुणा करेंगे तो ये पूर्ण घन संख्या जितना जोड़ा कम पड़ रहा है ना उतने से गुणा कर दो। इसमें एक दुआ कम पड़ गया और इसमें एक तिया कम पड़ा तो तीन दूनी छह से अगर इसको गुणा करेंगे छत्तीस को छत्तीस छिक्के दो सौ सोलह होते हैं दो लाख सोलह हजार दो लाख सोलह हजार एक पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण किसकी है छह छिका छत्तीस छत्तीस छिका दो सोलह साठ की किसकी ठीक है। अब आगे वो ही आगे देखो दो इक्कीस हजार छह सौ आ गया इक्कीस हजार इसमें भी कमी पड़ गई देखो इक्कीस हजार छह सौ दो का भाग दे दू दो एकम ठीक है ये बच गया एक एक में भाग जाता नहीं दो संख्या साथ में लेनी पड़ेगी ना तो टूटे बाकी क्या देनी पड़ेगी जीरो टूटे बाकी जीरो। देखो ऐसे ये देखो आप ऐसे भाग रहा हूं मैं इतने में लगा लेता हूं ठीक है दो एकम दो जीरो ऊपर से अपने एक ही संख्या उतार सकते हैं दो भाग में साथ नहीं उतार सकते नहीं उतार सकते ना। अगर नीचे वाले को दो देंगे तो ऊपर वाला रूठ जाएगा कि मैंने भाई छक्को दे दियो पांचो दे दियो चौको दे दियो तो ऊपर लड्डू दे के राजी कर दो लड्डू दे दो यार क्या राजी लड्डू ले बैठे इन छक्को दे दियो आठ दूने ये होता है आता है ना बाकी एक लाख ये दस हजार कितने हो गए आठ सौ दस हजार फिर दो का भाग लगाओ पांच दूनी चार दूनी जीरो का फिर लगाओ दो दुनी चार सात दुनी चौदह सत्ताईस फिर लगाओ दो एकम दो तीन दुनी छः पाँच दुनी दस तेरह सौ पचास फिर लगाओ छः दुनी बारह सात दुनी चौदह पाँच फिर लगाओ तीन का लगाऊं क्या है तीन दुनी छः पाँच तीन पंद्रह दो सौ पच्चीस आ गए। फिर किसका लगाऊं तीन का पाँच और दो सात दो नौ नौ में तीन जा रहा है ना तो इसमें तीन का जाएगा सातिया पांचतिया फिर लगाओ इसमें किसका है तीन का फिर लगा दूं पच्चीतिया पचहत्तर फिर पांच का लगाओ पांच पांच ये देखो एक जोड़ा बन गया ये टूट गया ये तीये का जोड़ा बन गया। किस किस का जोड़ा टूट गया दो का और है पांच का तो अपन लिखेंगे ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर वो इस वाले में इतना ही पूछे अगर वो आपको पूछ ले कि इसको कितने से गुणा करने पर ये पूर्ण घन संख्या बन सकती है कितने से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या ये आगे का सवाल है लेकिन आप कितने से बन सकती है इसमें दुआ कम पड़ गया इसमें कितना पर कम पड़ा पांच दूनी कितने होते हैं दस दस से गुणा कर दे तो ये पूर्ण घन संख्या बन सकती है पूर्ण घन संख्या बन सकती है ठीक है ना। ये तो आगे का सवाल है आपको नहीं पूछा मैं बता रहा हूं ठीक है ना भी कितने से गुणा करें पूर्ण घन संख्या बन जाए जितने जोड़े में जितनी संख्या कम पड़ी है उससे गुणा कर दो उससे। अब आगे वाला आपका है दस हजार कितना दस हजार ठीक है दो का बाहर लगाऊ पांच हजार आ गए दो का बाहर लगाऊ पच्चीस सौ आ गए दो का बाहर लगाऊ बारह सौ पचास आ गए दो का बाहर लगाऊ छह सौ पच्चीस आ गए पांच का बाहर लगाऊ एक सौ पच्चीस आ गए पांच का बाहर लगाऊ कितने आ गए पच्चीस है फिर पांच का लगाऊ कितने आ गए पांच फिर पांच एक ये जोड़ा बन गया ये जोड़ा बन गया कितना रह गया
है? दो और पांच का जोड़ा नहीं बनाना, अपने लिखना है कि दो और पांच का जोड़ा पूर्ण नहीं हो रहा, इसलिए ये घन संख्या नहीं है। अगर अब आपको पूछ रहे हैं कि इसको पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें कितने दुए कम पड़े, इसमें कितने पांजे कम पड़े, तो दो दुनी और पांच पांजो 25 और चार को गुणा करो 25 चौका 100 से गुणा करेंगे इसको तो ये पूर्ण घन संख्या बन सकती है। पूर्ण घन संख्या बन सकती है, पूर्ण घन संख्या बन सकती है, ठीक है। कितनी जीरो? एक दो तीन चार पाँच छः, इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़, दो करोड़ सत्तर लाख, दो करोड़ सत्तर लाख। अब इसको बताना है ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। देखो भाग लगाओ दो का, दो एकम तीन दूनी छः बच गया, एक हो गए दस, पाँच दूनी यहाँ तक आ गए ना, आगे जीरो कितनी बच गई, एक दो तीन चार पाँच, फिर लगाओ छः दूनी बारह, बच गए कितने एक, हो गए कितने पंद्रह, सात दूनी चौदह, बच गया एक, आगे आगे दस, पाँच दूनी अब कितनी जीरो बच गई, एक दो तीन चार, फिर लगाओ दो का, तीन दूनी छः, तीन दूनी छः, पाँच दिया पंद्रह, यहाँ तक आ गए, कितनी जीरो बच गई भाई, चार है, कितनी होगी ना, यहाँ भाग, अरे सॉरी दो का लगाया था आपने, किसका लगाया था, दो का गलत कर दिया आपने, मैंने तीन का लगा दिया, तीन दुनी छः, तीन छः पाँच, सात दुनी चौदह, बच गए एक, हो गए दस, पाँच दुनी अब जीरो कितनी बची तीन, मैंने तीन के हिसाब से लगा दिया। अब देखो फिर दो का लगाओ, दो एकम बचे एक हो गए तेरह, छः दुनी बारह, बच गए एक हो गए सत्रह, आठ दुनी सोलह, बच गए एक हो गए पंद्रह, सात दुनी चौदह, बच गए एक, ये हो गए दस, पाँच दुनी कितनी जीरो बच गई, फिर दो का लगाओ, आठ दुनी सोलह, चार दुनी आठ, तीन दुनी छः, बच गए एक हो गए पंद्रह, हैं सात दुनी चौदह, बच गया एक हो गए दस, और पाँच हो रहे जीरो, फिर लगाओ दो का, चार दो, दो एकम दो, बच गए एक हो गए सत्रह, आठ दुनी सोलह, बच गए एक हो गए कितने पंद्रह, सात दुनी चौदह और पाँच दुनी दस। अब देखो अब दो का नहीं जाएगा, अब दो का नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो किसका, तीन का लगाया, देखो सात और पाँच है बारह, बारह आठ बीस, बीस एक है इक्कीस, इक्कीस और दो तेईस, तेईस चार सत्ताईस, सत्ताईस में तीन का भाग जा रहा है तो इसमें तीन का जाएगा, तीन एकम बच गए एक हो गए कितने बारह, चार तिया, अब रह गया आगे एक का, अब दो संख्या लेनी है इकट्ठी तो इसको लड्डू देना पड़ेगा, छः तिया अठारह, तीन दोनी छः और पाँच तिया पंद्रह, हो गए। अब फिर किसका लगा दूँ, तीन का लगा देखूंगे, तेरह और पाँच अठारह, हो गए तीन का लगा दूँ, चार किया बारह, बच गए दो हो गए बीस, सात तीन और छः तिया अठारह, छः तिया अठारह, बच गए दो हो गए छब्बीस, आठ तिया चौबीस, बच गए कितने दो हो गए बाईस, सात तिया इक्कीस और पाँच तिया पंद्रह। अब फिर तीन का लगा देखो क्या, सात और पाँच बारह, बारह आठ है बीस, बीस है छब्बीस है चार तीस, है तीन का जा रहा है ना, तीन एकम बच गए एक हो गए सोलह, पाँच तिया पंद्रह, बच गया एक हो गए अठारह, छः तिया अठारह, तीन दूनी छः और पाँच तिया पंद्रह, हो गए। फिर कितने का लगाऊँ, पाँच एक छः, छः बारह सात, बारह सात पाँच दो सात, सात छः तेरह, तेरह अठारह उन्नीस, नहीं जा रहा तीन का, नहीं जा रहा, और पाँच का लगाओ, पाँच तिया पंद्रह, पाँच एकम पाँच, बचे कितने एक हो गए कितने बारह, पाँच दूनी दस, बच गए दो, पाँच पाँचों पच्चीस, कितने हो गए इकतीस सौ पच्चीस।
अब फिर पांच का लगा लो, छह पंजा तीस बच गया एक, छह दुनी पांच दुनी दस, तो पंच पंजो पच्चीस, फिर पांच का लगाओ एक सौ पच्चीस, फिर पांच का लगाओ पच्चीस, फिर पांच का लगाओ पांच, पांच एकम ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। एक इसमें से निकालो, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से और एक है इसमें से, दो दूनी चार, चार बारह पंजा साठ, पंजे साठ, पंजे तीन सौ, साठ पंजे तीन सौ, तो घनमूल कितना हो गया इसका 300। ये देखेंगे ये पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण है घन संख्या है। आगे बढ़ा देखिए आपका 11 कितना है, 11 दो का बार लगा दूं, पांच दूनी दस बच गया एक, हो गए दस, पांच दूनी यहां तक आ गया, आगे कितनी जीरो बच गई दो, फिर दो का लगाऊं, दो दूनी चार बच गया एक, हो गए पंद्रह, सात दुनी चौदह बच गए एक, हो गए दस, पांच दुनी दस जीरो बच गई, फिर दो का लगाओ, दो एकम दो, तीन दुनी छह, ठीक है बच गया एक, हो गए पंद्रह, सात दुनी चौदह बच गया एक, हो गए दस, पांच दुनी दस। अब देखो अब दो का नहीं जा रहा, सात पांच बारह, बारह तीन पंद्रह एक है सोलह, सोलह में तीन का भी नहीं जा रहा, अब किसका लगाऊ भाई, पांच का लगा दू, पाँच दूनी दस बचे कितने तीन, हो गए सैंतीस, पाँच सता पैंतीस बच गए कितने दो, और पंज पंजो फिर किसका लगाऊ, पाँच का लगा दूँ, पंज पंजो पच्चीस, और पंज पंजो फिर किसका लगाऊ, पाँच का ग्यारह पंजा पचपन ग्यारह, ये देखो जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, जोड़ा किसका अधूरा रह गया, तो अपन लिखेंगे 1100 घन संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है क्योंकि 11 का जोड़ा अधूरा रह गया। अब ये कहता है इसको पूर्ण घन संख्या बनाएं तो क्या करें, पूर्ण घन संख्या बनाएं तो 11 में कितने कम पड़ गए, 11 11 दो बार कम पड़ गए, 11 11 या 121 121 से अगर इसको गुणा करें तो ये पूर्ण घन संख्या बन। अब ये कहते हैं कितने का भाग लगाएं कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए, तो कितना जोड़ा 11 है, एक जोड़ा कम पड़ा 11 का भाग लगा दो, 11 का 11 एकम 11 कितने आ गए, अच्छा हजार पूर्ण घन संख्या होती होती कि नहीं होती, होती है ना, कर सकते हो इसको, कर दे कितना मिनट हो गया, 1:22।